उत्तराखंड के ऋषिकेश में मुनि किरेती के स्वामी नारायण आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी ऋषिराज सुनील भगत के जन्मदिवस पर जरूरतमंदों को राशन किट वितरित की गई। सुनील भगत के जन्मदिन के मौके पर कुष्ठ आश्रम में कुष्ठ रोगियों को भी आवश्यक खाद्य सामग्री वितरित की गई। सोमवार को स्वामी ऋषिराज के जन्मदिवस पर आश्रम प्रबंधन की ओर से सैकड़ों जरूरतमंदों को राशन किट का वितरण किया गया। जरूरतमंदों ने राशन किट मिलने पर स्वामी ऋषिराज और आश्रम प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। आश्रम बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसमें लोगों को इतना सहारा मिल रहा है कि आश्रम को बहुत दुआएं दे रहे हैं। और तो कुछ कर नहीं सकते, पर बहुत लोगों को सहारा मिल रहा है और खासकर लेडीज़ को तो बहुत ही सारा बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इतने आश्रम है पर इन्होंने ही शुरुआत की, पहल करी। ये तो आश्रम तो बहुत है पर मानवता के हिसाब से बहुत बढ़िया आश्रम है। हम लोग दिल से दुआ देते हैं। आज हमने जो विधवा विकलांग लोग हैं उन सबके लिए राशन वितरण किया और कुष्ठ रोगियों के लिए भी आज हमने राशन की किट वहाँ पर प्रदान की। और आगे भी हम लोग समाज के लिए जो भी जब भी जहाँ जैसे आवश्यकता पड़ेगी उस कार्य को हम करने के लिए तैयार है। ये पिछले जब से कई दशकों से ये अनर क्षेत्र हमारा चलता है, इनके अंदर जाति पाति भेदभाव के बिना हर किसी को वहाँ पे प्रसाद ले सकता है, कोई इनको रोक टाक नहीं है। और यात्री भी जितने लोग आते हैं यहाँ ठहरते हैं उन सब के लिए भी हमने रहने के भोजन की व्यवस्था कर रखी, क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं वो तीर्थ क्षेत्र है, तो तीर्थ के अंदर बड़ी आशा से लोग आते हैं कि हमें अन्न और आश्रय तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि भगवान का धाम है, माँ गंगा की गोद है। तो इसलिए ये प्रयास हम कर रहे हैं और भगवान सबको ऐसे शक्ति दे कि सब जिसके पास जो है वो सहयोग करके जन सेवा करें। स्वामी ऋषिराज ने कहा कि जनसेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं है, साथ ही आश्रम प्रबंधन लगातार जरूरतमंदों के साथ खड़ा होते हुए कोरोना काल में भी लोगों की मदद के लिए आगे आया। स्वामी नारायण आश्रम के परमाध्यक्ष ऋषिराज सुनील भगत ने बताया कि उनकी ओर से दशकों से आश्रम में आने वाले लोगों को सुबह दोपहर और शाम को निःशुल्क भोजन करवाया जाता है। इसके साथ ही जरूरतमंदों लोगों की भी मदद लगातार की जाती है। उन्होंने कहा कि संत होने के नाते समाज की सेवा करना उनका धर्म है। ऋषिकेश से माई भारत के लिए अमित कंडियाल की रिपोर्ट।